दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश के करीब 25 लाख पेट परीक्षार्थी एक बार फिर परेशान और मायूस हैं। वजह, करीब 1.5 माह बीतने को है लेकिन अभी तक पेट का परीक्षा फल नहीं घोषित किया गया। हालांकि यूपी पेट 2022 के रिजल्ट में हो रही देरी को देखते हुए यूपी SSSC ने एक नोटिस जरूर जारी की थी, जिसके अनुसार परीक्षा फल की अनुमानित तिथि 8 जनवरी के नजदीक बताई थी, लेकिन भविष्य की चिंता के लिए लाखों परीक्षार्थी पेट परीक्षा फल ना घोषित होने से मायूस हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षक की भर्ती के साथ एडेड विद्यालयों में लिपिक की भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर में जारी होना था। पेट परीक्षा फल न घोषित होने से लेखपाल व लिपिक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सका, क्योंकि यह नोटिफिकेशन परीक्षा फल के बाद ही घोषित किया जाएगा। फिर परसेंटाइल के हिसाब से आवेदकों को आवेदन का मौका दिया जाएगा। पेट परीक्षार्थियों की चिंता भी वाजिब है, क्योंकि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं और यदि नगर निकाय चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई तो प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और प्रदेश में होने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बीती 15 और 16 अक्टूबर को पेट 2022 की परीक्षा में प्रदेश के करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को जिन परेशानियों और अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ा था वह सभी ने देखा था। चाहे अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए बसों व ट्रेनों में लटककर किया गया खतरनाक सफर हो, या बस अड्डों और रेलवे प्लेटफार्म पर रुककर मच्छरों के बीच रात गुजारनी हो, परीक्षार्थियों को हुई परेशानियों ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सारी पोल खोल कर रख दी थी। इन तमाम परेशानियों और अव्यवस्थाओं को झेलते हुए अभ्यर्थियों ने जैसे तैसे परीक्षा तो दे दी थी, लेकिन अब उन्हें परीक्षा फल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने सजोए लाखों अभ्यर्थी मायूस हैं, क्योंकि बिना पेट परीक्षा फल के न तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और ना ही सरकारी एडेड विद्यालयों में लिपिक भर्ती का। ऐसे में अभ्यर्थियों को भविष्य की चिंता सता रही है। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगती है तो सरकार मार्च से पहले इन भर्तियों के नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाएगी। हालांकि पिछले सप्ताह आयोग ने यूपी पेट 2021 के स्कोर कार्ड की अवधि को 8 जनवरी 2023 तक जरूर बढ़ा दिया, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा फल न आने से मायूस हैं। पेट 2022 की परीक्षा में प्रदेश के 36 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेट परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी राज्य में ग्रुप सी और डी की भर्तियों में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। पेट अभ्यर्थियों को पहले भविष्य की चिंता में ट्रेन और बस का खतरनाक सफर कर परीक्षा देने में आई परेशानियों से जूझना पड़ा और अब उन्हें परीक्षा फल के इंतजार में मायूस होना पड़ रहा है। मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी आप, निकाय चुनाव को लेकर 28 नवंबर को देखें आप जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल का इंटरव्यू। कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे, जिस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, इनके इन पार्टियों के बीच में आम आदमी पार्टी कैसे मुकाबला कर पाएगी? देखिए, हम जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और हम किसी को हराने के लिए हम नहीं आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं कि भाजपा को हम हरा के हम जीतेंगे या सपा को हरा के जीतेंगे। हम जनता को जिताने आए हैं। जनता हमारे साथ है, हमारी योजनाओं को देखेगी, हमारे लाभ जो हम दे रखे हैं, पंजाब में दे रखा है, दिल्ली में दे रखा है, उन मुद्दों पे हम लड़ाई करेंगे और उन मुद्दों पे जनता समझ रही है, वो हमको सपोर्ट करेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।